चलिए, कार्बन एंड कंपाउंड हम लोग शुरू किए थे। कार्बन और कंपाउंड में सचिन त्रिपाठी आपकी क्लास पर आ बच्चों। यस सर। चलिए, कार्बन कंपाउंड में हमने मेनली पढ़े थे दो तरीके के बॉन्ड के बारे में, जिसमें पहला था आयनिक बॉन्ड और दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है बच्चों? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे आपके एग्जाम में। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड एंड कंडीशन ऑफ फॉर्मिंग आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है बच्चों? हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जब भी कोई दो दो एटम होते हैं, लेट्स सपोज कोई एटम है बच्चों ए और एक दूसरा एटम है बी। क्लियर? इसमें से अगर ए एटम ऐसा है जिसके पास मेटैलिक करेक्टर है, जो मेटैलिक करेक्टर शो करता है, तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है। इज इट क्लियर बच्चों? और जब ए और बी कोई बॉन्ड बनाते हैं बच्चों, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ए का होता है और एक इलेक्ट्रॉन बी का होता है। यहां तक क्लियर आपको समझ में आ रहा है? दिख रहा है क्लियरली आपको? यस सर। जो सुना आपकी क्लास में बच्चों? यस सर। यस सर। ओके, चलिए। तो देखिए, जब दो एटम होते हैं जिसमें से एक एटम ए अगर मेटेलिक करेक्टर का है और एटम बी जो है ये नॉन मेटेलिक करेक्टर का है बच्चों, तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है। यानी ये चाहता है कि हम जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर लें और खुद को स्टेबल कर लें। क्लियर? और जब भी देखिएगा बच्चों, कोई दो एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन ए ने दिया होगा और एक इलेक्ट्रॉन बी ने दिया होगा, तभी उनके बीच में एक बॉन्ड बना होगा। इज इट क्लियर? Yes, आप देखिए, एक ऐसा एटम है बच्चों जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहता है, तो ये क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो यानी ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन देखिए बी के पास पहुंच गए हैं काफी हद तक, देखिए बी की तरफ से सोते चले जा रहे हैं। दिख रहा है आप लोग को? यस सर। जब इलेक्ट्रॉन बच्चों बी की तरफ शिफ्ट होंगे तो इसके ऊपर एक हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहा है और इससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं बच्चों, तो इसके ऊपर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इज इट क्लियर बच्चों? अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, क्योंकि बी के पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को सीट के अपने ऑक्टेट में फिल करने की, और ए के पास भी ये टेंडेंसी है कि अपने पास से इलेक्ट्रॉन को जाने देना चाहता है, तो कुछ देर बाद क्या होगा बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन बी अपने सेल में ले लेगा पूरी तरीके से। क्लियर? तो बी के ऊपर अभी पार्शियल नेगेटिव था, तो अब पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ए के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव था और अब पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है बच्चों, सारे बच्चों को? यस सर। गुड। अब देखिए, ये एक ऐसा आइटम है जिसके ऊपर चार्ज है, और यहाँ ये भी एक ऐसा आइटम है जिसके ऊपर चार्ज है। तो जब दो चार्ज वाले एटम होते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, तो आप कहेंगे ये सर कहलाते हैं आयन, कहलाते हैं आयन। अरे बच्चों समझ में आ रहा है? और सर, एक और चीज होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हमने पढ़ा ना कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं।
यानी अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्लियर है यहाँ तक सारे बच्चों को? यानी देखिए ये अपोजिट चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है एक निगेटिव चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हम लोग कैटायन कहते हैं, यानी इसको क्या कहेंगे? कैटायन। और इसको क्या कहेंगे बच्चों? एनायन। क्लियर है? और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनने लगेगा और फिर अगले स्टेप में उनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा और इस तरह से बने हुए बॉन्ड को हम लोग बच्चों कहते हैं आयनिक बॉन्ड। इज इट क्लियर? समझ में आया बच्चों को? प्रतिमा बेटा सर एक बार डेफिनेशन रिपीट कर दीजिए लास्ट में जो आपने बोला। लास्ट में मैंने क्या बोला? लास्ट में जब आपने बॉन्ड बताया ए नेगेटिव, वो रिपीट कर दीजिए। देखिए एक नेगेटिव जो आयन होता है उसको एनायन कहते हैं और जो पॉजिटिव एटम या आयन होता है उसको कैटायन कहते हैं। और जब दो आयन एक नेगेटिवली चार्ज एक पॉजिटिवली चार्ज पास पास आते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो ये कहता है कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं बच्चों ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब ये दोनों अपोजिट चार्जेस थे तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनने लगेगा धीरे धीरे। और जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा बच्चों तो वही एक बॉन्ड बना लेगा और ऐसा बॉन्ड जो दो आयन्स के बीच में बनता है उसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। इट इज क्लियर टू एवरीवन बच्चों? गुड। अब देखिए इसके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग, तो यही लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। याद रखिएगा सारे बच्चों, पहला अगर पहला आप लोग देखें इसकी प्रॉपर्टी तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें एक एटम होना चाहिए मेटेलिक, एक एटम होना चाहिए नॉन मेटेलिक। यानी एक एटम का करेक्टर होना चाहिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन देना चाहे और दूसरे का कैसा करेक्टर होना चाहिए इलेक्ट्रो निगेटिव। यानी ये दोनों एटम डिफरेंट होने चाहिए, सेम एटम नहीं होने चाहिए, सेम एटम के बीच में कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनता है बच्चों। तो आप इसमें पहले चीज देखिए टू हेट्रो एटम्स मस्ट बी डेयर जिसमें से एक होना चाहिए मेटेलिक और एक होना चाहिए नॉन मेटेलिक। क्लियर है सिगांशु? यस सर। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो टाइम हो गया दूसरा चीज बच्चों जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है तो इनके बीच का बना हुआ बॉन्ड भी स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा। क्लियर है बच्चों? और तीसरा अगर इनके बीच का बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग है तो इसको तोड़ना तो उतना ही मुश्किल होगा। अगर कोई चीज जिसके बीच का बॉन्ड वीक है उसको तोड़ना आसान होगा कि जिसके बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है उसका तोड़ना आसान होगा बच्चों? जिसका वीक है उसको तोड़ना आसान है। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक लकड़ी को तोड़ सकते हैं कि एक साथ दस लकड़ियों का बंडल दे दें उसको तोड़ सकते हैं आप, तो आप कहेंगे सर एक लकड़ी को तोड़ना ज्यादा ईजी है क्योंकि वो अकेले है। तो ठीक वैसे ही जिसकी स्ट्रेंथ जिस बॉन्ड की ज्यादा होगी उसको तोड़ना भी उतना मुश्किल होगा जबकि जिसकी स्ट्रेंथ कम होगी उसको तोड़ना आसान होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। गुड। तो देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट ये लिख सकते हैं हम लोग कि आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग
पॉइंट, ये सारे के सारी चीजें याद रखिए, इन्हीं से इन बिटवीन लाइन से क्वेश्चन बनते हैं। एक पॉइंट से कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, इसी पॉइंट से कि व्हाई दे हैव आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, व्हाई दे हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये सब चीजें इन बिटवीन द लाइंस याद रखेंगे आप, नहीं तो फिर आप इस तरह में गड़बड़ा जाएंगे। समझ में आया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। इसको नहीं क्लियर है बेटा? क्लियर है सबको? यस सर। यस गुड। यस सर गुड। देखिए एक लास्ट पॉइंट और लिख लीजिए बच्चों इसी में, कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं They are good conductors of electricity. Is it clear? क्लियर है सारे बच्चों को? दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बच्चों? व्हाई दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज़ इट कंसिस्ट ऑफ आयन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यस सर। इट डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इट हैव फ्री आयन्स, और आयन्स आर द पार्टिकल्स विच कैरी इलेक्ट्रॉन्स, विच हैव इलेक्ट्रॉन्स, विच कैन कैरी करंट। क्लियर? किसी भी चीज में अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी बच्चों, तो हमेशा उसके पीछे दो ही रीजन होंगे, या तो उसके पास इलेक्ट्रॉन हो या तो उसके पास आयन्स हो। आयनिक बॉन्ड में इनके पास आयन्स होते हैं, इसीलिए ये लोग गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्लियर है सारे बच्चों को? यस सर। यस सर। गुड। यस सर। आप इसको अच्छे से नोट्स बनाइएगा, अच्छे से पढ़िएगा, याद रखिएगा सारे के सारे चीजें जो मैंने बताई है, सारी प्रॉपर्टीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्हीं से इन बिटवीन लाइन से आपको बोर्ड में क्वेश्चन मिलेंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन मिलते हैं। क्लियर है? Yes, sir. और इसका प्रॉपर रिवीजन भी बच्चों करते रहिएगा, क्योंकि एक कहानी की तरह हम लोग पढ़ रहे हैं, और इसी कहानी से हम लोग आगे जोड़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड को। तो आप जो मैं आज को ए और बी के बीच का ये बता रहा था, एटम ए है एटम बी है, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड में भी देखने को मिलेगा। तो आप लोग तो जैसे मैंने पढ़ाया, क्लियर है अरे बच्चों को? यस सर। चलिए yes, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें और सेफ रहें बच्चों, ठीक है? थैंक यू सर। चलो थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर।